الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم महतरम व मक्रम नागरीन साम अमालकमत लाबरक आपसे मुखातब मौलाना फ़लदाद और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूजडे शाम को सात बजे से आठ बजे तक लाइव हुआ करता है और फिर मुख्तलिफ़ अवत में इसको रिपीट किया जाता है दिस प्रोग्राम अवाउज़ It's live every Monday and Tuesday evenings between seven o'clock and eight o'clock, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it, or those who are in different time zones around the world, etc., or those people who can't be here at this time, they can also watch it as well. Obviously, repeat ताकि जो लोग इसको इस वक्त देख नहीं सकते किसी और काम या मशगूलियत की वजह से या वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में हैं टाइम उनका अलग है तो इस वजह से इसको मुख्तलिफ अवात में मुख्तलिफ़ दिनों में इसको दोबारा रिपीट किया जाता है और इसी तरीके से ये प्रोग्राम और इससे पहले जितने भी प्रोग्राम हैं कई सालों से इनको तमाम को अपलोड किया जाता है यूट्यूब के ऊपर और वहाँ आप जाकर इनको देख सकते हैं यू मोस्ट वेलकम टू सी दिस प्रोग्राम एंड ऑल द प्रीवियस वंस एज वेल बिकॉज देव बीन अपलोडेड ऑन टू यूट्यूब और फॉर्मेट आपको पता है कि मुख्तर सा किसी मौजू के ऊपर बयान होता है और फिर आपकी तरफ से सवालात या कोई तबसरा या कोई बात आप बाकी हमारे साम नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है हमारा नंबर इस नंबर के ज़रिए आप फोन इन कर सकते हैं हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जो साम नाजरीन हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे और याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि जिस मौजू के के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं उसी मौजू के ऊपर आप सवाल करें बल्कि किसी मौजू के ऊपर आप सवाल कर सकते हैं या तब कर सकते हैं या कोई बात आपके जहन में है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं यू मोस्ट वेलकम टू रिंग इन एंड यू कैन सी द नंबर ऑन द स्क्रीन वी विल लिसन टू यू एंड सो विल द रेस्ट ऑफ द व्यूअर्स एंड लिसनर्स एंड योर क्वेश्चन और योर ऑब्जर्वेशन डज नॉट नेली हैव टू बी लिंक्ड टू द टॉपिक दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट सो यू मोस्ट वेलकम टू रिंग इन InshaAllah, we will listen to you and so will the rest of the viewers and listeners. One of the great aspects of a Muslim, Musliman ki, hi aham or wo istiqamat. Steadfastness. It is one of the great qualities of a human being, but moreover, of a Muslim. ट आई मीन बाई देट रम़ान के अंदर रम़ान का महीना ये अल्लाह की तरफ़ से ख़ास बरकतों वाला महीना होता है और इस महीने के अंदर इंसान आम दिनों से ज़्यादा नेक आमाल करता है एक तो इस वजह से कि उसको शौक़ है लेकिन उससे भी अहम कि अल्लाह की तरफ़ से उसको ख़ास तोफ़ी होती है और चूँकि बरकतों तो वाला महीना है तो उस महीने के अंदर आमाल करना और ज्यादा आसान हो जाता है लेकिन जिस वक़्त ये महीना खत्म होता है तो उस वक्त आम दस्तूर आम देखा गया है कि आमाल के अंदर अब किल्लत आनी शुरू हो जाती है वन द ऑफ़ रमज़ान कंक्लूड्स Then we notice a trend amongst the general public. And that is that generally, and I'm speaking very generally, the good deeds begin to decrease. The good deeds that we were doing, the good actions that we were performing, the good things that we were sharing with people, those begin to decrease as days go along. And not long after, वी गो बैक टू आवर नॉर्मल ट्रेडमिल ऑन ए स्लो फेस वट एवर वी यूज टू डू फ्री रमजान वी गन ऑन टू दैट मोड अगेन उस हालत के ऊपर दोबारा हम आ जाते हैं हालांकि मुसलमान होने के हैसियत से हमारा तो ये अंदाज़ होना चाहिए कि दिन बदिन मेरे नेक आमाल के अंदर कसरत हो Our trend as a Muslim should be, our habits should be that as a Muslim, whatever good deeds I have accumulated and I am practicing, I keep those, I sustain those, maintain those, but also increase upon them as well. So we're not to lose those good deeds. So if we are getting a special boost because of Ramadan, Ramadan Kivajasi, इसके अंदर हिम्मत हुई है और नेक आमाल हम ज्यादा करते रहे तो उन आमाल को बाकी रखना है और उनके साथ साथ दीगर आमाल भी हो सकते हैं तो वो करें और हमारा उल्टा हिसाब है कि बजाय वो रमजान मुबारक के आमाल को बाकी रखने के उनके अंदर किल्लत आ जाती है वी बिगिन टू डिक्रीज दोस्टेड मेन सो लेट मी गिव्यू एग्जाम्पल्स टू एलिस्ट्रेट एंड मेक इट ईज़ी फॉर टू अंडरस्टैंड कुछ मिसालेंर्ज करता हूँ रम़ान मुबारक के अंदर आप देखेंगे कि किरण करीम की तलावत के अंदर कसरत होती है चाहे हम पढ़ रहे हैं या चाहे किसी से कुर करीम सुन रहे हैं लेकिन कुरान करीम की किसी न किसी हद दर्जे तक तलावत होती रहती है द रिस्टेशन ऑफ़ द क़ुर करीम

खाना पीना उस तरह मैसर नहीं कि जिस तरह अल्लाह ने हमें दिया हुआ है उनके ऊपर दुनिया के अंदर हालात सख्त आए हुए हैं तो वो हमारे जहन के अंदर बाक़ी रहते हैं और वो उनकी तरफ़ देखते हुए इंसान का दिलम नरम होता है और दिलम नरम होते हुए इंसान सदक़ा खैरा लीला फ़ी सभी लीला दूसरे मुल्कों को भी भेजता रहता है और यहाँ के भी जो लोग हैं वो भी जहन के अंदर रहते हैं मसाजिद को मदारस को मकातब को आप मदद करते रहते हैं सदका करते रहते हैं और रमज़ान के अंदर चूँकि दिल उस वक़्त नरम होता है तो अगर किसी फ़कीर मस्किन को रास्ते के अंदर देखा तो उनको कुछ ना कुछ सदका दे देते हैं उनकी कोई ना कोई मदद कर लेते हैं लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म होता है तो इंसान की तबीयत थोड़ी सी बदल जाती है कि अब जो कुरान करीम की तलावत हम किया करते थे रमज़ान के अंदर हो सकता है कि मुश्किल से सूरत यासीन की तलावत की या शाम को सूरत तबार कल्लजी की तलावत की दरमियान दिन के अंदर कुछ बाकी नहीं रहा दर इज़ नथिंग लेफ्ट जूरिंग द डे इफ अ पर्सन इज़ रिसाइटिंग यू गोइंग टू रिसाइट सूरत यासीन एट द दिगेनिंग ऑफ द डे एंड मे बी सूरत तबारकलजी एट द एंड ऑफ द डे बट यू विल नोट इस दिस होल दुर्न करीम एंडाइडिंग इट इट बिगिन टू डिमिनिश एज द डेज गो फास्ट जो ही दिन गुजरते जाते हैं रमजान के बाद तो वो क़ुरान करीम के साथ तलावत की तलावत जो है वो कम होते 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 एक वक्त आता है कि हफ़्ते के बाद अगर हमने कुरान करीम को ताक से उतार कर उसकी तलावत की या आजकल तो स्मार्टफोन्स के ऊपर है अगर स्मार्टफोन्स को पकड़कर उसके ऊपर थोड़ी सी तिलावत की जुमा के दिन सूरत कहव की तिलावत कर दी एक हफ़्ते के बाद बाज़ों के ऊपर तो ये होता है कि पूरा पूरा महीना दो दो बाल अजात महीने गुजर जाते हैं और उनको क़ुरान उठाने का या कुर करीम की तिलावत का उनको वक़्त नहीं मिलता मौके नहीं करते अपने लिए हिम्मत नहीं होती उनकी हाँ जब कोई फ़ौत हो जाए या कोई ख़ास मौक़ा आए तो उस वक़्त इनको क़ुरान करीम का ख़त्म भी करना है सूरत यासीन का ख़त्म भी करना है कुल हो अल्ला का ख़त्म भी करना है लेकिन दरमियान में कितना अरसा बाज़ औकात गुज़र जाता है तो इसलिए बात मैंने इधर से शुरू की थी कि आमाल, एमा आमाल के ऊपर हम इस्तेकामत रखें कि जो आमाल हम रमज़ान के अंदर करते रहे अब वो आमाल हम अब भी करते रहें रमजान के अंदर ईशा के बाद आप तरावीह पढ़ते रहे अब अफकोर्स रमज़ान के बाद तरावीह तो नहीं है लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि भाई अपने जो कुछ नवाफिल एक्स्ट्रा हैं वो वो हम पढ़ लें रात के अंदर तहजद के लिए अगर उठने वाले हैं तो ठीक है बाज़ोकात मजबूरी की वजह से इंसान नहीं उठ सकता या नींद के ग़लबे की वजह से या रात के बहुत छोटे होने की वजह से क्योंकि सुबह काम पर जाना है या तहजद नहीं पढ़ सकते क्योंकि रात की शिफ्ट है और वहाँ काम करना है वहाँ से छुट्टी नहीं मिल सकती नवाफिल वग़ैरह के लिए तो अब ऐसा शख़्स इस सूरत के अंदर कम अज़ कम इतना तो कर सकता है कि जब मेरे ईशा की नमाज़ हो जाए तो उस वक्त मैं दो रकातें या चार चारकातें पढ़ लूँ और ये नीत कर लूँ कि ये मेरे नवाफिल हैं ये अभी से मेरे तहजद हैं रात के वक़्त अगर मैं उठ गया तो दोबारा पढ़ लूँ ना उठा तो या अल्लाह इसको मेरे तज़द की तरफ से कबूल कर ले इफ आई कैन वेक अप वेल एंड गुड इफ़ आई खान या एक्सेप्ट दीज टू रकाज़ और फोर रकात और सिक्स रकात वट एवर अल्लाह सुबह गिव्स यू स्ट्रेंथ फॉर वो अल्लाह वॉल्लासेप्टड एज़ तहजद

ज़्यादा नहीं तो थोड़े से वक्त के अंदर दो रकातें या चार रकातें पढ़ लें और उसके अंदर कुरान करीम की तलावत कर दें तो वही मैं अर्ज कर रहा था कि आमाल के अंदर इस उसका मतलब ये है कि रमजान के अंदर जो आमाल कर रहे थे कम से कम अगर उतने आमाल नहीं कर सकते तो उन आमाल का कोई ना कोई शाइबा होना चाहिए इवन इफ वी खाट खरी ऑन Those good deeds that we were performing during the month of Ramadan, then the least we can do is bring the essence of those good deeds here. After Ramadan, we may not be able to pray the full Tarawih because after Ramadan there are no Tarawis. But what you could do is pray two rakats or four rakats with the Niyah that this is going to be the hajjud. If I wake up again in the middle of the night, that's fine. If not, Allah accept these as my tahajjud, as my qiyamul क्याम on my behalf. तो क़रन करीम की तलावत को भी आपको अपना वक़्त निकालना है सदका khairat जो मैं अर्ज कर रहा था उसके ऊपर भी और सदका जक़ात के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मकदार के अंदर सदका करते रहें हदीस पाक में आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है इन मिनल मारूफ निनूफ़ल अखा कब तलाक़िन के मारूफ में से नेक काम में से ये बात भी है कि आप किसी के साथ ख़ुश अखलाक़ी के साथ मुस्कराते हुए उसके सामने पेश आए अंतल का अब तलाक़िन ख़ुश अखलाक़ी के साथ पेश आना एक शख्स आपके सामने आए मुलाकात करे और आप मुस्करा कर अच्छे अखलाक के अंदर उनके साथ पेश आते हैं अल्लाह इज़्ज़त इसके ऊपर भी आपको अजर नसीब करते हैं इसके ऊपर भी आपको अजर मिलता है तो इसलिए रमज़ान के अंदर जो आमाल थे उन आमाल को हमें बाकी रखना है अगरचे थोड़ी तादाद के अंदर इसी वजह से उलमा की यहाँ और बुज़ुर्गान दीन की यहाँ एक कहावत है दिस इज सेइंग अमंग्स द एल्डर्स एंड द पायस प्री फरमाया करते थे अल इस्तिकामत फोकल कराम अल इस्तिकाम फोकल कराम कि इस्तिकामत नेक आमाल के ऊपर ये करामत से भी ज़्यादा है कि अगर किसी नेक शख्स के हाथ के ऊपर कोई करामत हो जाए कोई अचानक ऐसा काम के आम तौर पर उस तरह होता नहीं है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन एक शख्स जो आमाल को करता रहे करता रहे करता रहे और उसके अंदर कमी नहीं करता छोड़ता नहीं बस नहीं करता फरमाया ये सबसे बड़ी करामत है इसी वजह से हदीस पाक में फरमाया कि आमाल इन के सबसे पसंदीदा आमाल अल्लाह की यहाँ वो आमाल है कि जिसके ऊपर मुदावमत की जाए कि हर रोज आप वो अमल थोड़ा हो व इनकलत फरमाया अगरचे वो थोड़ा अमल हो लेकिन चूंकि आप रोज़ाना करते रहते हैं रोज़ाना करते रहते हैं रोज़ाना करते रहते हैं तो इसलिए फरमाया उसकी क़दर अल्लाह की यहाँ बहुत ज़्यादा है एक शख्स अचानक सौ रुपये दे देता है उसके ऊपर उसको बहुत सवाब है चाहे गरीबों को दिया किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर दिया नेक काम के अंदर दिया उसने तो उसके उसको अजर ज़रूर मिलेगा लेकिन दूसरा शख़्स है वो बीस रुपया देता है रोज़ाना देता है, आज भी दिया कल भी दिया उसके बाद वाले दिन भी दिया करते करते तो फरमाए ये जो कम देता है लेकिन बार बार देता रहता है इसकी बहुत ज़्यादा क़दर है इसी तरीके से बाकी भी आमाल सोचते रहो उसताज मोहतरम उसकी मिसाल हालांकि दूसरे अंदाज के अंदर दूसरी जगहों के अंदर दिया करते थे लेकिन बहुत अच्छी मिसाल है फरमाया अगर एक पत्थर हो और उस पत्थर के ऊपर पानी का कतरा गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे तो वो अगरचे थोड़ा है एक ही कतरा है लेकिन गिरते 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 एक वक्त आएगा कि उस पत्थर के अंदर सुराख और उसके अंदर फटन आ जाएगी और उतना ही पानी जितना इतने दिनों के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है अगर आप एक डोल के अंदर रखकर उस डोल को ऊंधेल दें और वो पानी पूरा उस पत्थर के ऊपर आकर वो वहां से गिर जाए तो पानी तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर आया लेकिन वो असर न हुआ जो उस एक, एक कतरे ने इस पत्थर के ऊपर किया था सो थिंक ऑफ अ बुकेट विद वाटर एंड दिस स्टोन ऑन द नीज ड्रॉप ऑफ वाटर आर फॉलिंग ऑन इट Constantly, constantly, constantly. So, although it may just be one drop or two drops, but because it's falling constantly, it's falling constantly, it's falling constantly, at the end, it will have an eroded part. It may even have a hole inside the stone. And if the same volume of water was to be thrown over the stone all at once, it will just wash away. Although it was the same volume, the same amount of water. But because it was all thrown at once, and in the previous example, it was by drop by drop by drop by drop, the one that was drop by drop, even though the drops were small, that has a lasting effect upon the stone. कि नेक आमाल का असर इंसान के दिल के ऊपर इंसान के दिमाग उपर, के ऊपर इंसान के जिस्म के ऊपर इंसान की रूह के ऊपर होता है गुड डीज्स दे हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ आवर हार्ट ऑन आवर माइंड ऑन आवर फिज़िकल बॉडी ऑन आवर सोल ऑन आवर ऑन द स्परिचुअल साइड वॉज सो द मोर गुड डीज वी कैरी ऑन इवन दो इट्स इन अ स्मॉल थोड़ी ही मिकदार के अंदर हो लेकिन वो नेक आमाल अगर हम करते रहे करते रहे करते रहे तो उसका असर हमारे जाहरी हिस्से पर भी हमारे बातनी हिस्से पर भी हमारे दिलो दिमाग के ऊपर भी हमारे मूड के ऊपर हमारे दीन के ऊपर हर लिहाज से होता है इट हैज ए नेचुरल पॉजिटिव इफेक्ट ओफन द होल ऑफ द बॉडी एंड ऑल्टरनेटिवली बैड टीज जो इंसान के बुरे आमाल हैं वे ऑल्सो अ नेगेटिव इफेक्ट अपॉन द सोल अपॉन द ब्रेन अपॉन द हार्ट अपॉन द होल द एटमोसफियर एक्चुअली चेंजेस विद एंड दिस इज ऑफकोर्स वेरीफाइड बाई द हदीस नबी पाक वसल्लम ने इसकी तरफ हमें हमारी तवज्जोह दिलाई इंशाल्लाह ऐसे करते हैं ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर इस मौजू के ऊपर कि इस्तेकामत बहुत ज़रूरी है और ये बात भी अर्ज़ करते जाऊँ कि इस्तेकामत जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ़ दीनी आमाल के अंदर नहीं बल्कि हमारे जो घरेलू मामलत हैं दुनियावी मामलत हैं लोगों के साथ ताल्लक हैं इन तमाम के अंदर इस्तेकामत होती है और इन ब्रेक के बाद अर्ज़ करूँगा कुछ मिसालें कि आम दिनों के अंदर इंसान किस तरह इसकामत कर सकता है बाकी जितने भी आमाल हैं उनके मुताबिक भी और फिर हदीस पाक नबी पाक सल्ला वसलम ने जिक्र फ़रमाई कि इंसान के दिल के ऊपर किस तरह असर होता है और पूरे जिस्म के ऊपर उसकी तरफ भी तोज्जो दे रहा रहाँगा लेकिन ऐसे करते हैं फिलहाल ब्रेक की तरफ़ चाहते हैं